देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। ब्लड फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन प्रयागराज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। प्रयागराज कॉल्विन ब्लड बैंक नकाश कोना में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ब्लड फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन संदीप चावला ने अपने जन्मदिन के अवसर पर किया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र कविंद्र प्रताप सिंह तथा विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह शामिल हुए। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर की शुरुआत महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने फीता काट कर रक्तदान शिविर का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। रक्तदान शिविर में आए हुए सभी रक्तदान करने वालों को महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी व पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सम्मानित कर प्रोत्साहन किया और तमाम युवा वर्गों व मीडिया कर्मियों के जरिए अपील करने के लिए कहा, ज्यादा से ज्यादा लोग इस रक्तदान मुहिम का हिस्सा बने ताकि आपके इस रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सके। और हमारे ब्लड फॉर ह्यूमैनिटी का आह्वान भी है कि ब्लड की कमी से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। कुछ ब्लड बैंकों में ये है काला बाजारी, काला बाजारी तो जहाँ तक मैं सब कहीं कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है। हम लोग अगर रक्तदान इतना भर देंगे, स्वैच्छिक रक्तदान अगर कर देंगे, साल में अगर एक बार भी किया, जैसा अजी सर ने कहा कि साल में अगर 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ में अगर 10 करोड़ लोग स्वस्थ हैं जिनकी उम्र 20 साल से 45 साल है वो स्वस्थ हैं, साल में एक बार भी कर देंगे तो सर 10 करोड़ यूनिट हो गया। रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल में 2 ही करोड़ है। मैं चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि सभी लोग रक्तदान करें, अपने जन्मदिन में करें, अपने किसी भी शुभ अवसर पर करें, लेकिन रक्तदान अवश्य करें। मेरा नाम संजीव कुमार चावला है, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। मेरी पानी वाटर लोकप्रिय वाटर के नाम सप्लाई है और हमारी इस मुहिम में हमारी श्रीमती जी का, हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इनके बिना हम अधूरे हैं। अरे वाह, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये 5 साल से कर रहे हैं, संजीव चावला जी हैं, और ब्लड फॉर यूनिटी के नाम से इनका चलता भी है। फेसबुक पर आप ले लें, कहीं से भी इनकी लिंक ढूंढ लें तो आपको सहयोग मिलेगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि अपने जन्मदिन को इस तरह ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में इंक्लूड करके बनाते हैं, और साथ साथ इनके साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है, चाहे वो हाई कोर्ट की महिला हो हमारी, चाहे हमारे FM के हो, राहुल जी हो, चावला जी हो, ऐसे बहुत सारी महिलाएं और पुरुष इस मुहिम से जुड़े हुए हैं हर फील्ड के। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जागरूक हो रहे हैं ब्लड देने के लिए, और ये सब जानते हैं कि रक्तदान एक महादान है और इस दान को देने में कुछ अपना भी नहीं जाता। और सही कहावत है, क्योंकि जब किसी का जीवन जिस चीज़ से बचता है तो वो रक्तदान से बचता है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। और आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा कॉलविन में रक्तदान सेंटर है, ब्लड बैंक है, वहाँ पर हम लोग रक्तदान दे रहे कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि एक महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन है, वो यहाँ पर रक्तदान करने की उन्होंने परंपरा शुरू की है, और आज इनका लक्ष्य है कि 101 से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें। और प्रयाग इस मायने में खुशकिस्मत है कि यहाँ पर ब्लड बैंक ब्लड से भरे हुए हैं। हम लोग 6 तारीख को पुलिस मित्र की तरफ से हम लोग ब्लड देना चाहते थे, तो सुप्रिंटेंडेंट मैडम थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ब्लड है और इसको यूज हो जाने दी, तो आप जनवरी में करिए। तो ये प्रयाग का इतना जागरूक यहाँ के लोग हैं कि यहाँ पे ब्लड की कमी नहीं है और ब्लड के अभाव में किसी का जीवन नहीं जाएगा, इस बात से हम निश्चिंत हैं। और इस कार्य में ऐसे महापुरुष जो हमारे संजीव चावला साहब हैं, उनकी पत्नी हैं, इन लोगों ने ये कार्य शुरू किया है। और यदि हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर दूसरे के जीवन के लिए दान करता है तो इतनी बड़ी परंपरा कहीं नहीं होगी। और अगर हिंदुस्तान में हर आदमी मोटिवेट हो जाए तो 100 करोड़ एक साल में 100 करोड़ यूनिट ब्लड अपने आप आ जाएगा, और फिर कोई रक्त के बिना या प्लाज्मा के बिना या RBC के बिना, प्लेटलेट के बिना किसी का जीवन नहीं है।